हे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रास्ते मोटो व्लॉगर। सो गाइस, आज का व्लॉग देखो भाई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीधे भाई शाम नगर से। और यार आप आए थे मतलब खाली रोड देख करके समझ गए होंगे कि आज का जो व्लॉग है ना भाई सुबह जल्दी स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ गाइस, आज का जो व्लॉग है ना भाई सुबह जल्दी स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको टाइम बता दूँ ना भाई, सुबह के जो ना 7:30 बज रहे और भाई यार निकल चुके हम लोग एक पहले से राइड के लिए। चलते भाई फटाफट से एक्शन पॉइंट की तरफ। और हमारे जो है कोचिंग का टाइम हो चुका है क्योंकि भाई आज हमारा पेपर है, सॉरी। तो भाई हम लोग जो है थोड़ा जल्दी निकल गए, तो सोचा कि आज जो है व्लॉग भी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई बस यहाँ से अपन को जो है लेफ्ट लेना है और फिर दोबारा राइट ऊपर आ जाएगा अपने विवेक विहार, जहाँ से भाई कभी कभी आपने कभी कभी क्या मतलब ज़्यादातर लोग तो आपने हुए मेरे वहाँ पे देखे होंगे विवेक विहार पे। तो बस यहाँ से जो है सामने दिखे होगी आपको मेट्रो स्टेशन। और भाई यहाँ पे जो है कैमरे क्वालिटी काफ़ी भाई बेकार आती है इस लोग के सामने, मेरे को पता है यार। तो चलो भाई निकल दे फटाफट से रिएक्शन पॉइंट की तरफ। और भाई यार दिन में तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन भाई यार आज भाई थोड़ा जल्दी निकल गया हम लोग। देख भाई जो ठंड है ना भाई अभी भी कहीं नहीं है, सुबह भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है इस वजह से भाई यार। तो चलो भाई चलते फटाफट से। और भाई एक तो सुबह पहले ना यार ये देखो भाई कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, मेरे को पता था भाई गाड़ी आएगी यार यहाँ से। क्यों भाई यार ऐसे गलती भाई आप लोग बिल्कुल मत करना यार कभी भी, क्यों भाई जब ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी ऐसे निकलते हो ना पीछे तो भाई देख कर निकला करो यार। तो मेरे को पता था भाई इनोवा वाला काफ़ी स्पीड जा रहा था, तो भाई अगर मैं जल्दबाजी करता ना तो भाई हम पहुँच नहीं पाते यहाँ पे, बस इतना जरूर बताता मेरे को। तो चलो भाई आप देखिए आप सामने आपको विवेक विहार का मेट्रो स्टेशन। तो चलते फटाफट से रिएक्शन पॉइंट की तरफ, देखते आज कैसे कैसे रिएक्शन मिलने वाले अपन को। जल्दी निकल गए तो भाई मेरे को लग रहा है क्या थोड़ा बहुत रिएक्शन मिल जाएगा अपन को, क्योंकि भाई सुबह में जब जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत भीड़ मिल जाती है अपन को इस वजह से। तो निकलते फटाफट से मिलते हैं आपसे आगे रिएक्शन पॉइंट के पास में। चेक करो यार अभी जो भाई हम लोग आ चुके हैं रिएक्शन पॉइंट के पास में। और भाई यार यहाँ पे जो भाई सुबह सुबह जल्दी भाई साहब रिएक्शन देख रहे हो, क्रेजी भाई क्रेजी रिएक्शन बंदों का यार। लेकिन भाई यार आज भाई यार मेरे को लगा था कि भाई मेरे को पीछे बोला था कि भाई अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ होती ना भाई चल जाएगा, लेकिन भाई यार यहाँ पे सुबह आओ तो भाई भीड़ नहीं मिलती अपन को। और भाई अब तो मैं शाम को भी आने लगा, क्या भाई क्या कुत्ता आदमी है यार ये भाई साहब, कैसा भाई केक कटवा रहा था मेरे को भाई, कैसे लोग यहाँ के यार पता नहीं भाई, भाई बचा भी तो यार मैं सोच में। और भाई एक तो मेरा पीछे वाला टायर है ना पूरा भाई घिसा हुआ है, अगर भाई थोड़ी से भाई मैं ब्रेक मार दो ना भाई पूरा टायर भाई स्लिप होता है पीछे वाला, इस वजह से भाई मैं ज़्यादा दौड़ से ना मैं ब्रेक भी नहीं मार पाता। भाई बंदा क्या था भाई बंदा समझ नहीं आया मेरे को क्या कटना क्या चाहता था वो यार, एकदम से भाई ऐसे कट मारा मेरे को दिखाया इधर करके और फिर सीधे ले लिया गाड़ी को, तो भाई पता नहीं क्या चाहता था यार वो। तो चलो भाई जल्दी फटाफट से यार अभी रिएक्शन पॉइंट तो भाई हो चुका है अपना, तो जल्दी क्लास वगैरह कंप्लीट करते हैं। और भाई हम लोग जो है ना 3:30 के आसपास फ्री होंगे और उसके बाद निकल जाएंगे तो भाई कार मार्केट की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से क्लास कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई चेक करो यार अभी जो भाई हम लोग आ चुके हैं सामने पुल्ले के ऊपर। और यार आज जो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक पकाने में, क्योंकि भाई मौसम जो है थोड़ा बहुत भाई आज खुल चुका है क्योंकि भाई धूप वगैरह आ चुकी है आज। तो निकलते हैं भाई फटाफट से आज चलेंगे भाई यार करीबन भाई 3-4 दिन बाद मेरा भाई आज जा रहा हूँ मैं कार मार्केट में, तो देखते हैं भाई आज कैसे कैसे गाड़ी दिखने को मिलती है अपन को। और भाई खा लेके आ गए ट्रक को यार, तो दिखा दे भाई आपको, ठीक है चलते भाई निकलते मेरे यार यहाँ से और दिखाते आपको भाई आगे जा करके नई नई लग्जरी गाड़ियाँ। तो देखते भाई यार सोचा था भाई मैं करीबन एक हफ्ता ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई मैं रोना भाई मतलब कार मार्केट गया नहीं अभी तक, तो अभी चलेंगे चेक करेंगे और दिखाते हैं आपको भाई कैसे कैसा वो है, ठीक है चलते फटाफट से निकलते। और भाई इससे पहले चलेंगे टर्मिनल में भी, टर्मिनल भाई बहुत दिनों का गए अपन को, तो देखते भाई क्योंकि भाई अभी जो ना एक दिन से भाई टर्मिनल के ऊपर से जा रहा था मैं, तो आज चेक करेंगे टर्मिनल से नीचे चलेंगे और चलते सीधा और दिखाते आपको नई नई गाड़ियाँ। और भाई अभी आ चुके हम लोग गोपालपुरा बाईपास में, तो भाई जो हवा चल रही है ना यार क्या बात है, एक तो भाई इतने भाई स्पीड में और ऊपर जो भाई हवा चल रही है तो भाई पूरा जो है भाई का कंट्रोल बिगड़ जाता है सूर्य से। तो चलो भाई निकलते हैं और भाई चेक करो वरना क्या लग रही है एक नंबर यार, भाई व्हाइट कलर सबसे बेस्ट होता है, व्हाइट और ब्लैक भाई दो कलर सबसे बेस्ट होता है यार सच में। तो निकलते भाई फटाफट से मिलते हैं आपसे आगे कार मार्केट में। तो कहते नहीं चेक करो यार आज इतने दिनों बाद मैंने भाई हम लोग जा रहे यार टनल के पास में, मतलब टनल के अंदर से टनल के पास। तो भाई मैं 3-4 ब्लॉक से भाई मैंने सोए 6:30 रोड से जा रहा था और भाई कल भाई जो है ब्लॉग नहीं आ पाए क्योंकि भाई यार कल हम जो भाई मतलब कोचिंग नहीं गए थे एग्जाम तक की वजह से भाई हम लोग जा नहीं पाए थे कोचिंग पे। तो चलो भाई चलते आज भाई करीबन एक हफ्ते बाद भाई फिर जा रहा हूँ यार टनल के अंदर, तो बस यहाँ से निकले से चलेंगे कार मार्केट में और दिखाएंगे आपको नई नई गाड़ियाँ। तो चलो भाई थोड़ी भाई मंगाते हैं इसके अंदर यार, भाई सच में आई तो भाई यहाँ पे भाई टनल भी ऐसी बनाई है ना यार इन्होंने एकदम यूटर्न वाली जाकर भाई थोड़ी सी बाइक मका भी सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि भाई आप सबको पता है यूटर्न है भाई पूरा, अगर थोड़ी सी बाइक मकाएंगे तो भाई बाइक गिरते हुए नजर आएंगे बस और कुछ ही नहीं है। तो चलो भाई अभी आ चुके हम लोग निवातिश मार्केट के मेट्रो मतलब मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो बस यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पड़ता है अपन को, तो फटाफट से निकलते हैं और वहाँ से निकलते हैं अपन घर के साइड में। तो पहले चलते कार मार्केट में, दिखाते आपको नई नई लग्जरी गाड़ियाँ, देखते भाई 3-4 दिनों के अंदर कौन सी लग्जरी गाड़ी यहाँ पे आएगी, कलेक्शन वगैरह कराओगे नहीं कराओगे उन्होंने, तो वो तो भाई आगे जाके पता चलेगा। तो निकलते हैं फटाफट से मिलते हैं आगे जा करके। चेक करो यार अभी जो भाई हम लोग आ चुके कार मार्केट में और भाई यार दो दोस्त ने भाई कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिख रही है मेरे को तो यार, तो भाई पता नहीं क्या हो गया अभी भी देखो भाई नॉर्मल गाड़ी खड़ी है आज तो, ये चेक कर लो भाई एक बार गाड़ी यार आप लोग, भाई गाड़ी है ही नहीं यार कोई ढंग से भाई,
भाई साहब यार कैसे देख रहा हूँ भाई, अपनी भाई 3-4 दिन तो मैं आया इंदा दुबई, मैं सोचा हूँ अच्छे मतलब जो अच्छे खासी गाड़ी आ गई होगी यहाँ पे, लेकिन भाई अब तो सारी गाड़ी वगैरह सब कुछ गायब हो गई यार भाई, पूरा कार मार्केट लगता ना भाई, कार मार्केट ही है क्योंकि भाई आप सबको दिखाया मैंने पहले भी यार दुबई गाड़ी वगैरह कैसे खड़ी रहती यहाँ पे भाई, आज तो भाई बिल्कुल भी गाड़ी दिखी यार भाई, लग्जरी तो भाई एक गाड़ी दी वहाँ पे, और भाई चेक कर लो बस थोड़ी बहुत नॉर्मल गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वरना भाई अपने भाई उधर से ही है उधर से निकलेंगे, जैसे भाई हम लोग सोना वाले साइड जाते हैं ना भाई, मतलब कि विवेक बिहार की तरफ से तो भाई वहाँ से निकल लेंगे कल तो भाई, क्योंकि बिहार आने का कोई फायदा नहीं होगा, सारी गाड़ियाँ बंद जाते यार आप लोग भाई, गाड़ी तो आज है ही नहीं, पता नहीं आज कुछ है या फिर पता नहीं क्या चक्कर है आज, तो चलो आज के ब्लॉग को जो है तो होप करता हूं आपको सबको ब्लॉग को पसंद आ गया होगा, अगर आ गया तो वीडियो को लाइक तो सब्सक्राइब आप सबको कर देना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटो ब्लॉग के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।